समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के अंतिम मुकदमे में देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आदेश रामपुर की स्थानीय अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद आजम खां की जेल से रिहाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और इसी के तहत उनकी रिहाई परवाने को सीतापुर की जेल भेज दिया गया। दरअसल बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको अंतरिम मामले में जमानत दे दी है। सर्वोच्च अदालत की जमानत संबंधित आदेश का अनुपालन करते हुए रामपुर की स्थानीय अदालत में आजम खां की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद उनकी रिहाई परवाने को सीतापुर जेल के लिए रवाना कर दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि आजम खां 27 महीने के बाद रिहा होकर जेल की चार दीवारी से बाहर आ सकते हैं। आजम खां की रिहाई की खबर से उनके परिजनों सहित समर्थक खासे गदगद नजर आ रहे हैं। इसमें से एक आजम खां की मासूम समर्थक परी बाल्मीकि भी है, जिसने आजम खां की जमानत होने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया, साथ ही उनके आने पर अपनी दिवाली मनाने की बात कही। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है कि आजम खां साहब की जमानत हो गई, उनकी सारी परेशानी खत्म कर दो। भगवान से क्या दुआ मांगी है? मैंने मांगा भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दिल की धड़कन आजम खां साहब को जमानत दिला दी। अब वो घर आ जाए। हाँ। और क्या करेंगे जब आएंगे वो? मैं अपना घर सजाऊंगी और दिवाली मनाऊंगी और घी के दिए जलाऊंगी। वहीं आजम खां के वकील जुबेर अहमद खान के मुताबिक परवाना यहां से जारी हो चुका है। ₹1,00,000 के दो जबान की फाइल करने के लिए कहा, हमने वो आज न्यायालय में फाइल कर दिया और वो प्रोसेस में है रिलीज ऑर्डर पहुंचने। तो परवाना जेल पहुंच जाएगा आज? जी वहाँ प्रोसेस में है, अब वो आज पहुंचे रात में या सुबह तक पहुंचे वी कांट से, क्योंकि सीतापुर जेल काफ़ी दूर है, लेकिन परवाना यहाँ से जारी हो चुका है। परवाना जारी हो चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं, उनकी सभी मामलों में जमानत हो चुकी है।